हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिक्स हैंडी में। आज की मेरी रेसिपी है चीज कचौरी, जो कि 15 से 20 मिनट में जल्दी से तैयार हो जाती है। तो चलिए चीज कचौरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कचौरी के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो एक बर्तन में आधा कप कटी हुई प्याज ले ली है, आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च ले ली है और आधा कप ही कटा हुआ टमाटर ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पर अमूल का प्रोसेस चीज लिया है। आप चाहे तो इसमें मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दिया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक थोड़ा कम ही डालना है हमें, क्योंकि चीज में भी नमक होता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये स्टफिंग हमारी बन करके तैयार है। अब हमें मैदा या आटा नहीं गूंथना है, बस हमें 7 से 8 ब्रेड चाहिएगी। और ये देखिए, इसकी मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। ग्लास से मैंने इसकी कटिंग कर ली और ये बीज का हिस्सा इसका निकाल लिया है। और ऐसे करके हम इसके सारे जो बीज के हिस्सा है वह निकाल लेंगे और जो बाकी जो साइड के हिस्से बचे हैं इससे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स हम कचौरी बनाने में भी यूज़ करेंगे। ये देखिए, सारी सामग्री यहाँ पर इकट्ठी कर ली है और साथ में एक कटोरी पानी भी लिया है। अब हमें जो सर्कल शेप कटिंग करी थी उसके चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। ध्यान रहे कि पानी हमें यहाँ पर बीच में नहीं लगाना है, इसके सिर्फ किनारों पर पानी लगाना है, ताकि ये इसके चिपकाने के काम आएगा। ये देखिए, दूसरे सर्कल शेप पर भी हमने यहाँ पर पानी लगा रहे हैं, सिर्फ इसके किनारों पर। अब पानी लगाने के बाद में हमने इसके अंदर स्टफिंग भरनी है। एक साइड स्टफिंग रख करके जो दूसरा सर्कल है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे और दोनों हाथों से हमें जो किनारे हैं उनको दबाना है। ये देखिए, इस टाइप से हमें इसको दबाना है। इसके किनारों को अच्छे से बंद करना है ताकि इसके अंदर जो चीज है वो बाहर ना निकले, क्योंकि तलते समय अगर चीज बाहर निकलेगा तो ऑयल में सारे में फैल जाएगा। और इसी तरीके से ये सारी कचौरी बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है एक बर्तन में और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका एक पतला सा बैटर तैयार करना है। और ये देखिए, बैटर हमारा तैयार है। अब हम एक कचौरी ले लेते हैं ब्रेड की और इस बैटर के अंदर कचौरी को डिप कर देंगे और उसके बाद में हमें इसके ऊपर लगाना है ब्रेड क्रम्स। और ये ब्रेड क्रम्स हम इसके ऊपर अच्छे से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बैटर लगाने के बाद में ये जो ब्रेड क्रम्स है वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएंगे और ये एक कचौरी जो हमने बनाई थी उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स हमने पूरी तरह से लगा लिए। और इसी तरीके से ये ब्रेड क्रम्स लगा करके हम सारी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। और ऑयल को भी हम गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख देते हैं ताकि हम इसको फ्राई कर सकें। और यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और ये देखिए, एक ब्रेड कचौरी डाल दी है इसमें और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल डाल देंगे। और ये दूसरी ब्रेड कचौरी भी डाल दी है और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल डाल करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमें इन कचौड़ियों को हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और मैंने यहाँ पर ये सारी कचौड़ियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। ये ऊपर से बिल्कुल कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है और इसके अंदर चीज़ भी भरा हुआ है, तो ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।